नमस्कार, मैं डॉक्टर जफरुल्ला खान आप सबको आज के इस वीडियो क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो के द्वारा कुवेम्पो यूनिवर्सिटी के थर्ड सेमेस्टर बीएससी बीसीए के हिंदी पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि चीफ की दावत कहानी, जिस कहानी की रचना भीष्म साहनी ने की है और यह कहानी अभिनव कथा भारती में संपादित है, जिसका संपादन चक्रधर ने किया है। आज इस वीडियो में हम कहानी शुरू करने से पहले लेखक का संक्षिप्त परिचय देखेंगे, भीष्म साहनी जी का संक्षिप्त परिचय देखेंगे। भीष्म साहनी का जन्म 8 अगस्त 1925 ईस्वी में पाकिस्तान के पंजाब जिले के रावलपिंडी में हुआ। अगस्त 8 को 1925 ईस्वी में, जब अभी पाकिस्तान जो भारत में था, तब उनका जन्म रावलपिंडी में होता है। उनकी मृत्यु 11 जुलाई 2003 ईस्वी में हुई। ये आपकी शिक्षा 37 ईस्वी में 1937 ईस्वी में लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज में अंग्रेजी एमए किए इन्होंने। 1975 ईस्वी में 1975 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किए और उसके बाद में 1983 1983 में पद्म भूषण, सॉरी 86 1986 में पद्म भूषण और 1983 में 1983 में सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड इन्होंने पाया। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं क्या है देखेंगे। इनके प्रसिद्ध कहानियां हैं चीफ की दावत, भटकती राख, पहला पाठ, भाग्य रेखा, समाधि बाई राम सिंह आदि प्रसिद्ध कहानियां हैं। भीष्म साहनी जी के उपन्यास हैं झरोका, तमस, कड़ियां, बसंती, मैयादास, कुंतो, नीलू, नीलिमा, नीलोफर आदि आपके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। इनके नाटक हैं हानुष, कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी, मुआवजे, रंग दे बसंती चोला, आलमगीर आदि आपके नाटक हैं। प्रस्तुत चीफ की दावत कहानी में आने वाले जो पात्र हैं, प्रमुख पात्र, उनका परिचय देखेंगे, संक्षिप्त परिचय देखेंगे। मिस्टर श्यामनाथ है, ये इस कहानी का नायक है, श्रीमती का पति है और एक कैरेक्टर है, पात्र है, पत्नी। पत्नी श्यामनाथ की पत्नी श्रीमती है और इसके बाद में माँ, माँ श्यामनाथ की माता, अपने गहने बेचकर श्यामनाथ को पढ़ाती है वो माता। और एक प्रमुख पात्र है चीफ, श्यामनाथ के कचहरी का मुखिया, ये एक अंग्रेजी है इसलिए इसका नाम चीफ से ही भीष्म साहनी ने संबोधित किया है। अब कहानी शुरू होती है तो हम देखते हैं श्यामनाथ अपने चीफ ऑफिसर को खुश करने के लिए घर में दावत बोले थे, इसलिए श्यामनाथ और उनकी पत्नी बिना फुर्सत के घर सजा रहे थे। इधर की चीज उधर, उधर की चीज इधर हो रही थी। श्यामनाथ ने अपने घर अपने ऑफिस के चीफ को दावत दिए थे, खाने के लिए निमंत्रित किए थे, आह्वानित किए थे, तो घर वो आने से पहले सजा रहे हैं। चीजें क्या हो रही हैं, उधर की इधर की उधर हो रही हैं। सुबह से शाम के 5 बजे तक खूब परिश्रम से तैयारियां हुई। सुबह से क्या कर रहे हैं, छुट्टी में हैं तो पूरे दिन तैयारियां ही तैयारियां कर रहे हैं।
किसके दावत को जो मेहमान आते हैं उनकी तैयारी, उनके खाने की तैयारी और कमरे में बैठने बिठाने की तैयारी हो रही है। कुर्सियां, मेज, दीपाएं, फूलदान सब बरामदे में आ गए। ड्रिंक का इंतजाम बैठक में किया गया। सब कुर्सियां सब क्या हो गए, सामने ला गए, यानी कि जैसे मेहमान आ गए तो सीधे उनको बैठने का इंतजाम करने लगे और ड्रिंक्स का इंतजाम भी बैठक में किया गया। श्यामनाथ को एकदम अपनी बूढ़ी माँ का ध्यान हुआ। श्रीमती को अंग्रेजी में बोले, माँ का क्या होगा, व्हाट विल हैपन टू मदर। श्रीमती कहीं, इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दो, कल आएं, कल आ जाएं। क्या होता है, श्रीमती को श्यामनाथ पूछते हैं, एकदम काम करते करते बीच में उनको ध्यान आ जाता है, ख्याल आ जाता है कि माँ है घर में, माँ का क्या होगा, क्योंकि उनको माँ अड़चन हो रही थी, चीफ या उनके साथ में कोई लोग आएंगे तो उनको वो दिखाना नहीं चाहते थे कि बूढ़ी माँ हमारे घर में है बोल के। वो इसलिए अपनी पत्नी से पूछते हैं माँ का क्या होगा, अंग्रेजी में पूछते हैं क्योंकि माँ कहीं सुन ना ले, व्हाट विल हैपन टू मदर बोल के अंग्रेजी में पूछते हैं। तो श्रीमती उनको एक सलाह देती है कि इन्हें अपने सहेली के यहाँ भेज दो, जो पिछवाड़े में घर है उनके यहाँ भेज देंगे, फिर कल पूरा आज का रात गुजार कर कल वो क्या करेगी, आ जाएंगे बोल के बताती है। ये इस कहानी का आरंभिक भाग है। बिगनिंग में इतना सारा क्या होता है, घटना घटती है। तो आज के इस पार्ट का, वीडियो का, लेखक कहानीकार का क्या उद्देश्य था देखेंगे। पार्ट का उद्देश्य लेखक के जीवन और रचनाओं का परिचय देना, लेखक के जीवन परिचय का, उनके रचनाओं का परिचय संक्षिप्त रूप में देना। चीफ की दावत कहानी को कहानी के पात्रों का परिचय देना, इसमें आने वाले प्रमुख कहानी में इस कहानी में आने वाले प्रमुख पात्रों का संक्षिप्त परिचय देना। अतिथि आते समय आधुनिक विचार के लोग आतिथ्य सत्कार से अधिक घर की सजावट करते हैं, ये समझाना। क्या करते हैं, मेहमान आते हैं तो सब काम में लग जाते हैं, घर तैयार करने में, घर सजाने में लग जाते हैं, इसका परिचय देना। और बहू बेटा बूढ़ी माँ को बेकार चीज समझ रहे हैं, यही बताना पाठक का उद्देश्य है। बहू बेटा क्या कर रहे हैं, अपनी माँ को बेकार चीज समझ रहे हैं, क्योंकि मेहमान आ रहे हैं तो उसे कहाँ रखना है, उसे कहाँ हटाना है, कहाँ भेजना है, ये सोच रहे हैं, इसका परिचय देना। अब हम इससे क्या सीख लेते हैं, इस पाठ से लेखक के जीवन का और रचनाओं का परिचय प्राप्त होता है। हमें आज उनका संक्षिप्त परिचय प्राप्त हुआ। चीफ की दावत कहानी के पात्रों का परिचय मिलता है, इसमें आने वाले कहानियों का, कहानी में आने वाले पात्रों का परिचय भी मिलता है। अतिथि आते समय आधुनिक विचार के लोग आतिथ्य सत्कार से अधिक क्या करते हैं, घर की सजावट करते हैं, इसकी जानकारी हमें मिलती है। और हम सब छात्र और हम सब बूढ़े माँ बाप को गौरव आदर देना सीखते हैं, जिस तरह श्यामनाथ करते हैं उसका विरोध कर हमारे अंदर जागृति पैदा होती है कि बूढ़ों को, घर के बुजुर्गों को आदर देना, सत्कार देना, गौरव देना, हमें सीख मिलती है, पाठ मिलता है, सबक मिलता है। अब आज जो वीडियो देखा हमने, इस पर एक दो क्वेश्चन पूछेंगे और उसका उत्तर भी बताएंगे। रंग दे बसंती चोला किसका नाटक है, पहला प्रश्न है, रंग दे बसंती चोला किसका नाटक है। आपके विकल्प हैं प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भीष्म साहनी, लक्ष्मी नारायण लाल। ऑप्शन उत्तर क्या है, क, कौन, भीष्म साहनी उत्तर है। भीष्म साहनी रंग दे बसंती चोला नाटक के रचनाकार हैं, लेखक हैं। अब दूसरा प्रश्न, अगला प्रश्न है, श्यामनाथ किसे दावत बोले थे, श्यामनाथ अपने घर दावत किसे बोले थे, चीफ साहब को, माँ को, लेखक को, पंडित को, इनमें से किसे दावत बोले थे उन्होंने,
उत्तर क्या है? अ अ चीफ साहब को, शामनाथ चीफ साहब को अपने घर दावत बोले थे। ठीक है, अब आप इसके बारे में और थोड़ा विवरणात्मक रूप से या उनके जो रचना है रचना ही पढ़ना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, ये संदर्भित ग्रंथ जो है उसे पढ़ सकते हैं। संदर्भ ग्रंथ है अभिनव कथा भारती, किताब का नाम है। इस किताब में वो कहानी मिलती है, इसका संपादन चक्रधर ने किया है। इस किताब को पढ़कर या इस किताब में आने वाली इस कहानी को पढ़कर आप इसके बारे में और जानकारी पा सकते हैं। ठीक है, नमस्कार।